हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नैनी क्लासेस। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एन एसे अबाउट एन इंडियन फार्मर। आज हम एक एसे करने वाले हैं एक इंडियन फार्मर के बारे में। इंडियन फार्मर मीन्स एक भारतीय किसान। एक भारतीय किसान की लाइफ कैसी होती है, कैसे वो वर्क करता है, क्या उसका डेली रूटीन होता है, तो इस एसे में हम जानेंगे एक भारतीय किसान के बारे में, एन इंडियन फार्मर। The life of an Indian farmer is very difficult. एक इंडियन जो फार्मर होता है, किसान होता है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, कठिन होती है। He works hard since morning till evening to make both ends meet. वो क्या करता है, सुबह से इवनिंग तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, कठिन परिश्रम करता है। He walks on his field in all seasons. वो अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में सारे सीजन्स में काम करता है, चाहे ये रेनी सीजन हो या समर सीजन, विंटर सीजन, सारे सीजन्स में वो क्या करता है, हार्ड वर्क करता है अपने फील्ड में। He earns his bread with the sweat of his brow. वो अपना ब्रेड, वो उसे अपनी रोटी कैसे मिलती है, रोटी कैसे अर्न करता है, बहुत ज़्यादा अपना पसीना बहा के। He gets no comfort in his life. उसे अपनी लाइफ में कोई भी कंफर्ट नहीं मिलता, कोई भी आराम नहीं मिलता, सारा टाइम वो क्या करता है, हार्ड वर्क करता रहता है। He has to lead his life in the most unhygienic surroundings in the village. उसको अपनी लाइफ कैसे बितानी पड़ती है, अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स में, मीन्स जो साफ सुथरा सराउंडिंग्स नहीं है गांव में, उसमें उसे अपनी लाइफ बितानी पड़ती है। A farmer's routine work starts early in the morning before dawn. और जो एक किसान है उसका रूटीन स्टार्ट होता है मॉर्निंग में जल्दी उठ के। डॉन मीन्स सूर्योदय, जब सूर्य नहीं उगा होता है उससे पहले उठ के उसका रूटीन, उसका काम स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। ही गेट्स अप एट 4 AM एंड गोज टू हिज फील्ड टू सी इफ एवरीथिंग इज फाइन ओवर देयर। वो मॉर्निंग में 4 AM में उठ जाता है और उसके बाद वो अपने फील्ड में जाता है देखने के लिए कि वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। He plowed his field. वो अपना फील्ड जोतता है बिफोर सन राइजेस, सूर्य के उगने से पहले। ही कम्प्लीट्स मच ऑफ हिज वर्क. सूर्य के उगने से पहले वो अपना बहुत सारा काम पूरा कर लेता है। ही गोज ऑन वर्किंग विदाउट केयरिंग फॉर द वेदर. वो बिना मौसम की चिंता किए बिना अपना काम करता रहता है। After working hard, he enjoys his food. कठिन परिश्रम करने के बाद वो अपने फूड को enjoy करता है। After the midday meal, he takes rest for some time and then once again gets busy. Midday meal के बाद, दोपहर के भोजन के बाद वो थोड़ा सा rest करता है और उसके बाद वो दोबारा अपने काम में busy रहता है। All days are almost alike for the Indian farmer. एक इंडियन फार्मर के लिए जो सारे दिन है वो सेम होते हैं, समान होते हैं। At the time of harvesting, a good harvest brings some joy into his dull life. जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जब फसलें उग जाती हैं, तो उस समय उसे क्या होता है, थोड़ा सा उसकी लाइफ में जॉय, खुशी आती है, उसकी डल लाइफ में थोड़ी सी खुशी आती है जब फसल हार्वेस्टिंग का टाइम होता है। दिस इज द टाइम व्हेन ही रीप्स द फ्रूट ऑफ हिज लेबर। ये वही टाइम होता है हार्वेस्टिंग का टाइम, जब उसे अपने हार्डवर्क का फल मिलता है। इन द इवनिंग ही कम बैक होम, और इवनिंग में वो वापस घर आता है। द कूल ब्रीज ड्राइज ऑफ हिज स्वेट, और जो ठंडी ठंडी हवा चलती है वो उसके पसीने को सुखाती है। इन द इवनिंग Sometimes he has to stay back on his field at night for the safety of his hard-earned wealth of crops. कभी कभी उसे सारी रात भी अपने खेतों में गुजारनी पड़ती है अपने अपनी फसलों की सेफ्टी के लिए। तो जो एक इंडियन फार्मर है, जो उसकी लाइफ है बहुत ज़्यादा कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है और वो बहुत मेहनत कर से अपना अपने लिए अर्न करता है।